कहानी की स्टोरी यह है कि मैं इस्लामाबाद से नथिया गली जा रहा था कि रास्ते में बादल आ गए, तो मैंने सोचा वीडियो अगर यहाँ से शुरू कर ली जाए तो कोई मुजायका तो नहीं है। ना जाने कौन सी दुनिया में इश्क ले। और कराची से सपनों के एक मंजर को हकीकत बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया। वीडियो मुलायजा करें, आधा वर्जन। इस्लामाबाद में मैं स्टेप इन गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, ये E11 के अंदर है। ये सेक्टर 11 से 3 घंटे गहरा है नथिया गली के लिए, और 2 बज रहे हैं तकरीबन। मौसम और इस ग्रीनरी ने इस वीडियो की शान बढ़ा दी है, और ऐसी ही वीडियो को शैतान आपको लाइक करने से रोकता है, तो आपने इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। फिर से गिर के रास्ते थे आड़े तिरछे, कुछ मिले तो कुछ है बिछड़े। पेशतों के दस्त फिर के अब्र ने वो जहर छिड़के राख में जो कुछ। पकौड़े का ब्रेक लिया है बरसात में, अगर आपने पकोड़े नहीं खाए तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ है जैसे कुछ रह गया। आग लगानी है लगा के फैलानी, उस आग के तूफान की आंधियां चलानी, दिल ने बिठानी कोरे पन्ने से उठानी है जो अपनी कहानी वो बनानी आसमानी और सबको दिखानी है। आज आ जाए, मैं दिखाता हूँ आपको छोटी सी वाटरफॉल है। पाउंड डाल लें, ये इतना गंदा नहीं है। एक छोटी सी वाटरफॉल के पास जाना, ऐसे करीब चले गए बच्चों को दिखाने के लिए, वरना आज तक इस रोड पे रुक के किसी वाटरफॉल के पास नहीं गए। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं मिली है जितनी अभी मिली है। ये भी है, बारिश रुक चुकी है, अभी बादलों में घिरी हुई है ये वादी नीचे, जो भी गांव होगा, नाम तो मुझे नहीं पता इस वक्त। असल में पर्सपेक्टिव का फ़र्क है, हम भी बादलों में से गुजर रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है क्योंकि हम उसमें मौजूद हैं। दूर से देख रहे हैं तो आपको वो मूव होते हुए भी दिख रहे हैं। तेरी नजर है मेरा दिल है, क्या किया जाए। पहली बार सूरज दे रहा है। तेरी नजर है मेरा दिल है, क्या किया जाए। इस पूरे सफर में ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि ये रोड साइड मर्चेंट्स जो कि ये अम्ब्रेला बेच रहे हैं, कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं, कुछ कोकोनट बेच रहे हैं, छल्ली बिक्री है, इसका भी एक अपना मजा है। क्या किया जाए तेरी नजर है। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। क्या है? चेरी है। चेरी है, कितने की है? ओके, 3 यहाँ की चेरी है, 3 पैकेट ना। ऊपर इसमें माल होता है, नीचे खाली होता है। चहल पहल देखें, लोग आ रहे जा रहे, बादलों में जा रहे हैं। वाह, नथिया गली आए और बंदर ना दिखे आपको, ऐसा हो नहीं सकता। डॉन के पापे खा रहे हो, चाय ला दूं? सैम सैम जुए निकाल। यही एक्टिविटीज थी इंटरनेट आने से पहले सैम। अच्छा, ये चीजें आपके हाथ से लेके भाग जाते हैं तो यहाँ पे जरा होशियार रहिएगा, ऐसी कोई चीज ना हो आपके हाथ में, ये छीन के चले जाते हैं दरख्तों में, फिर नहीं आएंगे वापस। साहब वैसे ही 4 लोग हैं हमारी कार में, हमारी कार में 4 लोग पूरे। नाराज हो रहा है, मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा भाई, 4 लोग पूरे हमारे पास पहले ही। किसी ने भी जन्नत देखी तो नहीं है, पर सब अपने अपने अंदाज में इसकी तारीफ बयान करते हैं, और मेरी तारीफ ये है।
होटल बुक नहीं किया था, लेकिन होटल अमोर में ठहरने का इरादा था। लेट्स सी यार, अमोर से निकल के हम आ गए इधर सिर्फ इस व्यू की वजह से। गैलरी है और ये गलियात का व्यू है पूरा, फॉगी है। हाँ भाई, तो भाई आखिरकार नथिया गली पहुंच गए। नथिया गली में भी हम डोंगा गली में रुके हुए तकरीबन। नथिया गली जो मेन है उससे 2.5 किलोमीटर पहले ही है। यहाँ रुकने का फ़ायदा ये है कि जो ट्रैकिंग वाली जगह हैं वो यहाँ पे करीब हैं। अब कल सुबह उठ के जो भी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे उसको एक नेक्स्ट वाली ब्लॉग में दिखा देंगे। बाकी ये है कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। बाय बाय।